हेलो एवरीवन, तो ये रही अपनी कार, आज चेंज हो रहा है बम्पर। थोड़ा रेडिएटर वाला पार्ट दिखाना था कि रेडिएटर में कहाँ डैमेज होता है। ये रहा रेडिएटर। अब इसका ये जो प्लेट लगी है, एक स्टील का प्लेट है, देख रहा हूँ, तो ये प्लेट छोटा प्रोटेक्शन देता है, बट ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड नहीं करा पाता है। अब ऑफ रोडिंग में जो नुकसान होता है, वो नुकसान होता है अपना इसका, दैट इज़ योर स्टीयरिंग में, यहीं से स्टीयरिंग कॉलम, यहीं से गाड़ी स्टीयर होती है। ये आपका एक्सल है जो रोटेट कराता है, और सस्पेंशन डैमेज होता है। तो ये तीन चार चीज़ें हैं जो वियर एंड टीयर होती रहती हैं ओवर द पीरियड। हालांकि काफ़ी कुछ ये गाड़ी झेल चुकी है, स्टिल ऐसा कोई दिक्कत। भैया इसका एक्सल वाला पक्का ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार आप देख लेना, ये वाला एक्सल उस टाइप का है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत 1% भी नहीं, एकदम मिल मिस हो जाओ। आपका नाम क्या है? कुर्बान। कुर्बान भाई, एक बात बताओ कि अभी तक गाड़ी में ऐसा कोई वियर एंड टीयर नहीं दिख रहा ना? वियर एंड टीयर मतलब कहीं सस्पेंशन ढीला पड़ रहा हो, कोई बुश कटी हो, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा ना? मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। मैकेनिक को एक बार बुला लेना बम्पर से पहले। हाँ भाई, ये मैं ये कह रहा हूँ, इसमें कोई डैमेज नहीं है ना, एक बार देख लो आप। बम्पर बस जाएगा फिर देख नहीं पाओगे, एक बार आप देख लो, इसमें कोई एक्सल वैक्सल का कोई फॉल्ट तो नहीं है। एक्सल सस्पेंशन एक बार ऊपर ऊपर से देख लो फिर से, अब खुल गया ना। उस तरफ का एक्सल तो नहीं कोई प्रॉब्लम कर रहा है, जैसे इस तरफ कोई दिक्कत तो नहीं आई अभी तक गाड़ी में आपको देख के? भाई यार एक्सल में ऐसे पता होता ना चले, पर प्ले तो रहा है एक्सल में, ऐसे प्ले है। हाँ इतनी रहा है एक्सल में प्ले। उस तरफ को एक बार देख लो भाई, डाउट मुझे ना ड्राइवर साइड का है। बूट इसका फट गया है। हाँ जब बूट फटने का आ गया जी भाई, अपना मेन मैकेनिक है, बहुत बहुत हेल्पफुल है, कॉन्सेप्ट वाले, मेरी गाड़ी आती रहती है यहाँ पे अक्सर ही। आज बम्पर क्लिप ना रहे, थोड़े बहुत क्लियर है इतनी, ये तो जरूरी है। हाँ ये तो जरूरी है। तो वैसा कोई डैमेज सस्पेंशन में, कोई बुश कट रही हुई दिख रही है आपको, ऐसा लग रहा हो कोई रिपेयर वर्क हो? इतने गाड़ी में कुछ ना कटा भाई, इन गाड़ी में कुछ ना कटे, इन गाड़ी में कुछ ना कटे भाई, टाइम लगा, अभी कटने का टाइम नहीं हुआ। कितने दिन में काम होगा इसका अगर कराना? अब इसका तो वैसे तो बहुत, जैसे आप रफ रोड चलते हो ना तब तो इसे 20-30-40 हज़ार रुपये भी कट सके, तो मतलब 30 हज़ार रुपये एक बार चेकिंग पूरी करा लो। 40 हज़ार के बाद सस्पेंशन का काम होता है अगर आप रफ चलते हो। देखा ही आपने मैं कैसे चलता हूँ? नहीं नहीं वो मट्टी अट्टी से नहीं, मतलब ओढ़े खाबड़े यार, वैसा कमिंग है बस, ऑफ रोडिंग होती है, बाकी तो हाईवे ड्राइविंग। तो कोई दिक्कत नहीं ना अभी? ना अभी तो सही है गुरु जी, सब कुछ कोई दिक्कत नहीं। सारा रेडिएटर जिसने ऐसी तैसी फेर रखी है मेरी, ये इसका फ्रंट डिफरेंशियल है। चलो बाकी अपडेट देता रहूँगा, वैसे मैं मोर देन सेटिस्फाइड हूँ अपनी थार से, ड्राइविंग तो दिख ही रही होगी क्या करते हैं हम लोग। ये चैनल है भाई, फॉलो कर लो, अच्छी वीडियो डालते हैं हम लोग। भाई थैंक यू सो मच।